हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है अमेज़न हॉल। सो इसमें आपको कुछ विंटर के क्लोथ दिखाने वाली हूँ, उसके साथ साथ फुटवेयर भी दिखाने वाली हूँ। सो विंटर्स आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। सो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि कुछ पीसेज ले लिया जाए जो अच्छे प्राइस में मिल रहे हो, उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी के हो। इसमें आपको घर के कपड़ों में से उसके साथ साथ बाहर पहनने वाले कपड़े और फुटवेयर भी दिखाने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, और उसके साथ साथ सारी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, माय हॉल स्टोर लिंक, उसके साथ साथ इन सभी चीजों के इंडिविजुअल लिंक्स भी होंगे जिनसे आप इन्हें बाय कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। सो सबसे पहले मैं बात कर लूं जो मैंने स्वेटर बाय करी है। सो मुझे ना बहुत ज्यादा बेसिक पीसेस सबसे ज्यादा पसंद है। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड बाय मोड, और ये रेड टेप का ब्रांड है। आजकल रेड टेप 75% से लेकर 70% ऑफ पे चल रहा है। सो मैंने उनकी एक ये स्वेटर बाय करी है। सो ये आपको दो शेड में मिल जाएगी। इसमें एक लाइलैक शेड मिलता है, उसके साथ एक ये व्हाइट शेड मिलता है। सो आप देख सकते हो ये क्रोशेट डिजाइन में है, इसमें काफी ज्यादा सुंदर सा वर्क हो रखा है। सो जो इसकी स्लीव्स है ना, ये भी बिल्कुल सिंपल नहीं है, इसमें भी पूरा क्रोशेट का काम हो रखा है। सो अंदर से अगर आप ब्लैक कलर की पूरी सैंडो या फुल स्लीव्स का टॉप पहनते हो तो ये और ज्यादा निखर के दिखता है ये डिजाइन। सो जो इसका कपड़ा है, इट्स ऑल कॉटन, और काफी ज्यादा गर्म है ये, ऐसी भी नहीं है बहुत ठंडी है। बट हाँ, आप इसको अंदर से लेयर अप कर सकते हो, अंदर से वार्मर पहन लो, ऊपर से ये पहन लो, तो बहुत सुंदर लगती है। मुझे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद आई, इसे मैं दो तीन बार पहन चुकी हूँ और वॉश कर चुकी हूँ, स्टिल इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी ही है। मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इसकी नेकलाइन वी नेकलाइन है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। सो अगर आप इसे लेना चाहते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अपना साइजिंग इसमें बता दूं तो मेरा इसमें साइज स्मॉल है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल अच्छी फिटिंग की आई है। सो नेक्स्ट चीज बाय करी है, ये मैंने घर पे पहनने के लिए एक सेट बाय करा है। दिस इज इन वेलवेट। सो आजकल वेलवेट के सेट्स बहुत ज्यादा इन है घर पे पहनने के लिए, आप बाहर भी पहन सकते हो, इट्स अप टू यू। इसके साथ स्नीकर्स पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। सो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें कैप भी हो, और इसका कलर कितना ज्यादा प्रिटी है, कैन यू सी दैट, इसमें पॉकेट्स भी है। सो मतलब वो सारी चीजें हैं जो आप विंटर्स में ढूंढते हो, कैप होनी चाहिए, उसके साथ साथ जिपर वाला हो जिसके अंदर आप लेयर अप कर सको। सो जो मैंने इसमें साइज लिया है, इट्स एम, और ये कुछ किल्प स्प्रिंगर कुछ ऐसा करके ब्रांड है। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका लिंक। बहुत अच्छा मटेरियल है, जो आप साइज पहनते हो इसमें एक साइज बड़ा लेना। मैं स्मॉल पहनती हूँ तो मैंने मीडियम लिया है, और मीडियम मुझे बहुत अच्छा आया है। जो क्वालिटी है इसकी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे, 2000 के अराउंड आपको मिलता है ये पूरा सेट। इसमें आपको इस तरह की मतलब ये पजामा मिल जाता है, इसके साथ लोअर मिल जाता है, सेम वेलवेट मटेरियल। आप देख सकते हो कितना फाइन मटेरियल है। सो अगर आपको वेलवेट के नाइट सूट्स पसंद है, सो आप डेफिनेटली इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी का। इसमें आपको इस तरह का नाड़ा भी मिल जाता है जिससे आप अपनी वेस्ट को मतलब थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हो। सो मुझे इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी लगी। जो इसकी लोअर की लेंथ है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा वार्म है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस। अगर आप घर पे पहनने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो ना वेलवेट मटेरियल में, सो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो। सो जो मैंने नेक्स्ट सेट बाय करा है, दिस इज इन मरून कलर। सो ये कुर्ता और प्लाजो का सेट है मेनली, और ये वुलन मटेरियल का, अगेन ठंड है वुलन का ही लेंगे। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड रोजरी, एंड जो मेरा साइज है इसमें मीडियम है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मीडियम साइज लिखा है। इसमें भी अगेन जो आप साइज पहनते हो उसे एक साइज अप लेना, सो दैट आप इसको अंदर से लेयर अप कर सको। सो ये कुछ इस तरह से दिखता है, मरून कलर का ये पूरा आपका सेट आता है। सो इसमें आपको दो से तीन शेड मिल जाते हैं अभी फिलहाल, आई थिंक तीनों शेड अवेलेबल है। 4XL तक आपको इसके साइजेस मिल जाते हैं। 1500 में जिसका मटेरियल है काफी ज्यादा सॉफ्ट है, अंदर से आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा वार्म वाला मटेरियल है। ये ऐसा नहीं है कि बाहर से ऐसा वार्म है तो अंदर से नहीं, अंदर से भी इसमें फ्लीस टाइप लगी है जो इसे और सॉफ्ट बनाती है, और बहुत ज्यादा प्रिटी है। इसमें आपको ये आई थिंक ये हैंडवर्क है, इस तरह का वर्क मिलेगा, सामने इस तरह की डिजाइनिंग मिल जाएगी। सो इसमें फुल स्लीव्स है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल, लाइक जब आप इसे पहनोगे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने बहुत हैवी मटेरियल पहना है, कुछ ऐसा लगेगा लाइट वेट है और बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा वो बेबी वाले जो कपड़े होते हैं ना वैसा मटेरियल है। इसकी लेंथ काफी अच्छी दे रखी है, नीचे भी कुर्ते में आपको इस तरह का काम दे रखा है, और बैक साइड इसकी प्लेन मिल जाएगी। नीचे से इसमें आपको इस तरह का प्लाजो मिल जाता है जिसमें इलास्टिक दिया है, उसके साथ साथ प्लाजो की लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है, दोनों साइड आपको इस तरह का काम मिल जाएगा फ्रंट और बैक में। मुझे ऐसे वाले प्लाजोस बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें फ्रंट में काम हो और बैक में ना हो,
सो इसमें दोनों साइड काम है और इसका जो आसन दे रखा है ना वो भी काफी ज्यादा बड़ा आसन दिया है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़े हैवियर साइड पे भी हो, स्टिल यू कैन ट्राई दिस। सो इसकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। आप लास्ट चीज की बात कर लूं, सो मैंने शूज लिए हैं अगेन रेड टेप से, क्योंकि रेड टेप पे बहुत ज्यादा ऑफ चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है। सो मैंने ये पिंक कलर में लिए क्योंकि मेरे पास अभी मैंने एक स्वेटशर्ट ली थी पिंक कलर में, सो वो शायद मैंने ऑक्टेव की ली थी, उसका लिंक मुझे कहीं नहीं मिला, वो मैंने ऑफलाइन ली है। सो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, इस तरह के स्नीकर्स टाइप में है, बहुत अच्छे हैं, पेस्टल पिंक कलर है। सो जो मेरा इसमें साइज है आई थिंक इट्स 3 नंबर, हाँ मेरा साइज में UK 3 है एंड EU 36 है। सो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, इस तरह के कपड़ा वाला मटेरियल है। सो ये भी मुझे आई थिंक 950 या 1000 के करीब पड़े, विच इज अ नाइस डील। आप देख सकते हो सोल भी काफी ज्यादा अच्छा है इसका, काफी ज्यादा लाइट वेट है। सो अगर आप कुछ मतलब चेंज करने के लिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि हाँ मैं रोज बदल के पहन सकूं, तो आप डेफिनेटली इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से दिखते हैं सामने से, और अंदर से यहाँ पे आपको इसमें फोम मिलेगी। सो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, सॉफ्ट है पहनने में, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। अभी इनफैक्ट मैंने पहने नहीं है, बट अंदर से इसमें फोम है तो आपको चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, काफी अफोर्डेबल है। सो अगर आप सर्दियों के लिए कुछ ढूंढ रहे हो फुटवेयर, सो आप डेफिनेटली इन्हें बाय कर सकते हो। इनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी अफोर्डेबल है। सो इन सारी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो भी आप बाय करना चाहते हो। मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगी आपको वुलन का कुर्ता सेट, उसके साथ साथ जो मैंने घर पे पहनने के लिए अपर एंड लोअर जिपर वाला वेलवेट वाला लिया है, उसे आप डेफिनेटली चेकआउट करना। सो या गाइस दैट्स अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।